हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिशा डायरी। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं सैज को लेके बाहर, उसकी बुई दादी के घर फर्स्ट टाइम। सो आज उनके घर पे मेनली फेरा जो होता है बच्चे का, तो फेरा हमारे पंजाबी में बोलते हैं, फेरा डलवाने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद हम कहीं और भी जाने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए सबसे पहले सहज को तैयार कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। बच्चा चलो तैयार हो जाए, चलो उसको लेकर अंदर घूमी करने जाना है ना, चलो आओ। पापा आप भी रेडी हो जाओ, बाबू तैयार होएगा। अब बाबू घूमी करने जाए, मन है घूमी करने का? तो सहज आज ये वाला फ्रॉक पहनने वाली है दोबारा से, जो शूट वाला फ्रॉक है, क्योंकि मम्मा ने भी रेड पहना है। तो सहज भी रेड पहनेगी, पापा पता नहीं क्या पहनेंगे आज। आज पापा ड्रेस पहना रहे हैं आपको है। मजा नहीं आ रहा आज, आज मजा नहीं आ रहा। पीछे से नीचे से नीचे नीचे कर दिया वो मैंने पीछे से। तो ऐसे उल्टा थोड़ी ना करता है कपड़े पहनाते हुए भाई, ये तरीका है पापा के कपड़े पहनाने का, देख लो अब। पापा ने तो बड़ा सुंदर तैयार करा है, हाँ बहुत सुंदर तैयार करा है भाई, आज तो बिल्कुल डॉल बना दिया। सहज हो चुकी है तैयार, और अब उसका बैग लगाते हैं, बैग में उसका डायपर, उसके वाइप्स, उसका हैंकी, उसका मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें रखना मतलब बच्चे के साथ ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से उसका बैग लगाते हैं और चलते हैं बाहर। बढ़िया। तो हम लोग आज जा रहे हैं सहज की बुई दादी के घर, और ये बुई वाली बुई दादी है जिन्होंने सबसे पहली जो कपड़ा बनाया था वो सहज की बुई दादी ने ही बनाया था, उसकी लंगोट और उसकी गद्दियाँ जो उसकी अभी तक यूज हो रही है। और तो आज हम उन्हीं के घर जा रहे हैं, अब वो हमारे साथ मतलब नहीं है, बट स्टिल उनका प्यार अभी भी सहज के साथ है। आज उनके घर ही हमारे पंजाबी में फेरा डलता है, तो आज सहज का पहले बार उनके घर फेरा डल रहा है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं, और उसके बाद हम जाने वाले हैं ट्रेड फेयर। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिक की बुआ और सहज की बुआ दादी अब हम लोगों के साथ नहीं हैं, वो हम लोगों को छोड़ के जा चुकी हैं, बट स्टिल हमें अभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे साथ नहीं है, हमें लगता है कि वो अभी भी हमारे बीच में है, और हमारे हर फंक्शन में जैसे वो पहले हमारे साथ होती थी अभी भी वो हमारे साथ ही हैं। तो सहज को हम फर्स्ट टाइम उनके घर लेके जा रहे हैं, और अगर वो होती तो शायद बहुत ही ज़्यादा खुश होती, क्योंकि उनका अटैचमेंट सहज के साथ बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने फर्स्ट क्लोथ सहज का जो उनकी नैपी है और गद्दिया है वो उन्होंने बनाई थी, और जो सहज अभी भी पहनती है तो उनकी मेमोरीज़ के तौर पे वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और सहज को वो शायद बड़ा होते हुए ना देख पाई हो, बट स्टिल अभी भी सहज के हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो आज हम सहज को उनके घर ही लेके जा रहे हैं, और तो फिर चलिए फिर आपको ले चलते हैं अपनी बुआ के घर। चाची हाउस आ गए, बुई दादी हाउस कोई है ही नहीं, कहाँ गए सारे? ये देखो सारे कहाँ थे, ऊपर गए थे। शोर मचा रही है गली से ही,
कि मैं आ गई चाची, मैं आ गई। आज तो मुश्किल से चाची के पास आ गई। मुश्किल से ही है और हम सारे मुश्किल। आज यूनिक का आज अच्छा दिन था, आज यूनिक ने छुट्टी कर ली। भाई देखो चाची पास आ गए। बैठो, मैं आपके लिए किससे क्या नहीं, अभी बैठ, अभी कुछ नहीं, अभी तो घर से ही तो आए हैं। ये देखो शिकायत कर रही है। खड़ी हो, बता कर लियो। इतनी गप्पी कहाँ से लाती हो सर? बोलो मैं बेटी किसकी हूँ? आ रहे मेरे पापा, मेरे पापा आ रहे हैं अभी। महफिल जमाने मेरे पापा आ रहे हैं, उन्हीं की बेटी हूँ मैं। मारते हो? मुंह भी बंद कर लिया पड़ा। हम बुआ के घर से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर इज लाइक अ मेला जो हिसार में मोस्टली लगता है, और लाइक लॉकडाउन के बाद ये अभी काफ़ी टाइम बाद लगा है। सो जो ट्रेड फेयर, मुझे याद है जब हम बचपन में जाया करते थे, हमारे मेरठ में एक बहुत ज़्यादा फेमस मेला लगता है, नौचंदी मेला, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी बचपन में कि मुझे मेले में जाना है, मेले में जाना है। मैं सिर्फ वहाँ पे झूला झूलने, सिर्फ आइसक्रीम खाने, भेलपूड़ी खाने, मैं सिर्फ इसलिए जाया करती थी। तो अभी भी वो वाला क्रेज मेरा अभी भी है। और हम गोवा के घर से आए थे तो हमने रास्ते में था, तो हमने सोचा क्यों ना चलते हैं और थोड़ा सा घूम लेते हैं। और दीदी भी आई हुई है, सहज की बुआ भी आई हुई है साथ में, जीजू भी हैं, सारे आज मिलके जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हिसार का ट्रेड फेयर कैसा है। बाबू उठ गया, उठ गया, अभी तो निंदा कर रहे थे आप। आप ट्रेड फेयर जा रहे हो बच्चा, देख रही है ये लाइट। वेलकम। सो बहुत ही प्यारा सेटअप लगा हुआ है, और इस ट्रेड फेयर में डिफरेंट सिटीज़ से इवन लोकल बहुत सारे शॉपकीपर्स आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल ली हुई है, एंड काफ़ी अपने सारा सामान वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इधर, आप देख सकते हैं कि ये सारा मिट्टी का बना हुआ जो होम डेकोर में हमारी चीज़ें यूज़ आती हैं, ये वो सब है, वॉल हैंगिंग है, इवन कॉर्नर्स में आप रखने के काम आता है। तो ये बहुत ही सुंदर थी, और प्राइस के लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे है हमारी क्रॉकरी का आइटम, इन्होंने ऑलरेडी सेल में सारा सामान निकाला हुआ है। सो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रखे हुए हैं, कुछ 20 की सेल, 50 की सेल, 100 की सेल, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। यहाँ पे इसमें क्रॉकरीज हैं ज़्यादातर, यहाँ पे ट्रेज है, आपके कप्स हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें महंगी हैं तो उनके लिए बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऑलरेडी सेल में हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, उधर कुछ आई थिंक वुडन का सामान है क्या? सो यहाँ पे सारा वुडन का सामान मिल रहा है, और वुडन लाइक किचन से रिलेटेड चीज़ें, होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे है, बट बार्गेनिंग करनी पड़ेगी।
तो काफ़ी तरह की यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं। अब आगे देखते हैं और यहाँ पे डिफरेंट आप देखेंगे क्लोथ्स की शॉप है, टॉय ट्रेन भी है बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। सो अगर हम कपड़ों की बात करें तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें सेल में निकाली हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अलग शॉप्स भी हैं, लाइक लेडीज़ के लिए स्लीपर्स की शॉप है, खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, और बच्चों के लिए टॉयज़ शॉप है, और लेडीज़ के लिए पर्स की शॉप है, किचन आइटम की शॉप है। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लाइक ये बहुत अच्छा ट्रेड फेयर लगता है। यहाँ पे हर तरह की यहाँ पे शॉप्स होती हैं अवेलेबल। अभी टॉय शॉप पे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सहज है छोटी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने फेवरेट पार्ट में जो कि है राइड्स। सो मुझे राइड्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मेनली ट्रेड फेयर ही आती ही इसलिए हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थीम की राइड्स लगी हुई हैं। जो मेरी फेवरेट है वो है ये वाली, ये मैं ऑलरेडी सिंगापुर में भी कर चुकी हूँ। सो आज हम ये करने वाले हैं, और आज हमारे साथ करने वाली है सहज राइड। तो चलिए देखते हैं, और आई थिंक वो एंजॉय करेगी क्योंकि उसकी मम्मा को बहुत चीज़ें ये सब चीज़ें पसंद है, तो आई थिंक उसको ये सब चीज़ें भी पसंद होंगी। तो राइड करके तो बड़ा मज़ा आया। अब कुछ सामान खरीद लेते हैं, और मैं ख़रीदने वाली हूँ कुछ क्लेचर्स वगैरह और इयररिंग्स। और ये देखो कैसे मज़े कर रहा है यहाँ पे। और यूनिक यहाँ पे कुछ सहज के लिए बनवा रहा है, और ये एक तरह से कीरिंग है जिसपे हम सहज का नाम लिखवा रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से सहज के लिए गिफ्ट है, या हमारी मेमोरी समझ लीजिए, क्योंकि सहज आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रेड फेयर आई है, तो ये उसके लिए हमने दिया है। और जो यूनिक यूज़ करने वाला है बट ऑब्वियस। और ये देखो फ्री का झूला। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। सो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।